જુનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકાના કડકા પિપલિયા ગામે કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકાર તેમજ નાબાર્ડ દ્વારા ખેડૂતલક્ષી સેમિનાર યોજાયો હતો જેમાં ખેડૂતોને સરકાર દ્વારા બે બિલ ખેડૂતલક્ષી રજૂ કરી પ્રેરિત કરાયા હતા તે માટેની ખેતીલક્ષી માહિતી પણ અપાઈ હતી। ભેસાણના कड़का पिपलिया गांव में नवजीवन ट्रस्ट नाबार्ड भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक BOB बैंक जिला सरकारी बैंक द्वारा केंद्र सरकार की स्कीम द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योत वीमा योजना आकस्मिक वीमो खेडूतों ने लगती तमाम वीमा योजना तेमज लोन नो लाभ लेवा माहिती आपवामां आवी। तेमज ते साथे नवजीवन ट्रस्ट द्वारा आ सेमिनार तड़का पिपलिया सहकारी मंडली खाते योजवामां आव्यो हतो जेमां मोटी संख्यामां खेडूतोए हाजरी आपी हती। वरिष्ठ विपणन अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उप कार्यालय भक्तिनगर राजकोट से मैं यहाँ पे पिपलिया जो कि एक फार्मर्स ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक मीटिंग अरेंज किया है उसमें उपस्थित और बैंक लीड बैंक मैनेजर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा और नाबार्ड से मैनेजर उपस्थित है। तो इसमें जो मैं इस उद्देश्य आया था इधर जो रिसेंटली पार्लियामेंट ने दो एक्ट पास किया है जो किसान के हित के कारक है। पहला ट्रेड लिबरलाइजेशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन में किसान को अभी ये मुक्त जगह है जहाँ पर किसान को अच्छा रेट मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। ये रैलियाँ वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, अगर निकालिए तो भी ये विरुद्ध में नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार है और जो हमारा डिपार्टमेंट है पूरा किसान के साथ है। इस डिपार्टमेंट का और भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिले, ज़्यादा रेम्युनिटिव प्राइस मिलने का ही मेन उद्देश्य है। और इसमें और एक चीज़ है, ज़्यादा लोग इसका ये हो रहा है कि मंडियाँ बंद होंगी। मंडियाँ कहीं भी बंद नहीं होंगी, मंडियाँ पहले जैसी थी वैसे ही रहेंगी। किसान के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा, ये मंडी में जाए या बाहर जहाँ भी रेट ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ सेल करेगा। दूसरा ये है जहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी या कोई भी कंपनी आके उनके साथ एग्रीमेंट बना के या जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा एग्रीमेंट बना के वो किसान को अगर रेट अच्छा देते हैं तो वो कंपनी को भी सेल करते हैं। अगर कहीं भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इसके लिए काउंसिलेशन बोर्ड है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। किसान को कहीं भी किसी तरह से भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। किसान के भले के लिए ये कानून लाया है और किसान का हित होगा इसमें। मैं जिला का विकास अधिकारी किरण रावत जूनागढ़ जिला के लिए काम करता हूँ नाबार्ड के लिए, और इस नाबार्ड का अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत भेसाण तालुका में कड़का पिपलिया गांव में हमने एक स्वच्छता अभियान सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन आयोजित किया था, जहां पर 60 से ज़्यादा खेडूतों ने सहभाग लिया था। इसमें हमने कोविड-19 से लेकर शौचालय बनाने में जो सहायता मिलती है गवर्नमेंट से और कहाँ से ऋण लेने का लोन कहाँ से मिल सकता है, और ये कोविड-19 जो चल रहा है उसमें मास्क लगाने का, सैनिटाइजेशन करने का, हाथ धोने का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उनको जानकारी दे दिया। इस तरह से ये प्रोग्राम स्वच्छता की ओर जा रहा था। हमने इसमें एक फिल्म भी दिखाया उनको, मुन्ना का डब्बा करके, जिसका उन पर कुछ असर होगा और जहाँ पे शौचालय नहीं बने हैं गांव में वहाँ पे शौचालय बन जाएंगे, ये हमको विश्वास है। तर अँ भेसाण तालुकाना तड़का पीपड़ी गामडे गाम में नाबार्ड तरफथी स्वच्छता आंदोलन विषे मीटिंग राखेली हती। एमां बैंक ऑफ बड़ौदा SBI भेसाणना होद्देदार अने जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट बेंकना होद्देदारोए भाग लीधो। अने बैंक खेडूतोने अमे विविध वीमा योजना है, सरकारी वीमा योजना है अने अटल पेन्शन योजना, 12 रुपयानो सुरक्षा बीमा, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना अने 330 रुपया प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योत वीमा विषे समझायु। अने बधा खेडूतोने एमां वधारेमां वधारे लाभ ले एना माटे मीटिंगमां एमने समझायु, जेथी खेडूत वर्गने पण वीमानो अने पेन्शन अटल पेन्शन योजना कोईपण व्यक्ति खेडूत होय वेपारी होय के बधा व्यक्तिओने लाभ लई सके एना विषे अमे माहिती आप। आज अमरा गाममां श्री अमर तड़का पिपलिया सेवा सहकारी मंडली तथा नाबार्ड अने कृषि मंत्रालय केन्द्र सरकार अने नवजीवन ट्रस्ट द्वारा ખેતી વિષયક ધિરાણો, કૃષિ બિલના કાયદાઓ વિશેની સમજણ તેમજ પાક વીમા, અન્ય વીમાલક્ષી ઉપયોગી માહિતી તેમજ શૌચાલય અને સ્વચ્છતા અભિયાન ઉપર માર્ગદર્શન આપવા માટે આ તમામ ઓફિસરો અહીંયા હાજર હતા અને मंडलीना तमाम सभासदों हाजर रही और पूरेपूरो लाभ लीधो। वनराज चौहान साथ अशोक बारोट, NS गुजरात न्यूज, जूनागढ़।